ऐसे कीजिए और इसको अगर आप ऐसे खोलेंगे तो ये दिखने में भी बहुत सुंदर लगेगा और एक क्यूब अलग अलग हो जाएगी इसकी। ये देखिए। और अब आप पीछे जो ये झरना बह रहा है तो ये मुझे मेरे बचपन की याद दिलाता है, जब मैं बहुत छोटा था, जब मैं यहाँ अपने बाग में आता था और इस छोटे से जो होज बनी हुई है इसमें नहाता था। आज शायद मेरे वाले साहब जिंदा होते तो बहुत खुश होते, मैं इस जगह पे आता हूँ, मुझे बहुत सुकून मिलता है। तो मैं आपको आज अपने बाग की सैर कराने वाला हूँ, तो चलिए चलते हैं। आज मैं बाग की सैर कराता हूँ, आम कैसे टूटते हैं, कैसे प्रोसेस होते हैं, कैसे पाल में लगते हैं, मैं सारी चीज़ें आपको दिखाता हूँ। तो मैं अपने बाग में आया हूँ और आमों के बारे में मैं खासियत बताता हूँ और पेड़ पे लगा हुआ आम कैसा लगता है उसके बारे में बताता हूँ। ये दशहरी आम है और ये पेड़ पे लगा हुआ पका हुआ पेड़ आम तो आपने बहुत खाया होगा, लेकिन क्या कभी लाइव खाया है पेड़ पे लगा हुआ आम? आइए आप खाते देखे। ये जो आम है ये अलग ही दिख रहा है कि ये पका हुआ है, पेड़ का आम है, बड़ा आम है और ये पका हुआ है। तो मेरे हाथ में छुरी है, चलिए ट्राई करते हैं कैसा लगता है। पेड़ पे ही खाते हैं आज आम, शायद आपको पता नहीं चलेगा क्योंकि मार्केट में जो आम मिलते हैं वो दुनिया भर के, उसमें पेप्सिसाइड्स और तमाम तरह के मिलते हैं। ये देखिए बिल्कुल येलो आम निकला है, अब इसको टेस्ट करेंगे कैसा। आम खाते वक्त थोड़ा गंदगी तो रहती है लेकिन हाथ भी देखिए कितना रसीला, वाओ अल्टीमेट टेस्ट है। इससे मैं समझता हूँ इससे बेहतर कोई आम वर्ल्ड वाइड नहीं हो सकता है और मैं ये पूरे का पूरा खाऊंगा, पेड़ पे लगा हुआ आम है। और आप भी इंजॉय कीजिए और कभी आए तो मेरा बाग किठौर कस्बा है, उससे 2 किलोमीटर दूर गाँव है एक नंगली, वहाँ पर है और तमाम तरह की वैरायटी है इसमें। मैं भी आपको और वैरायटी भी दिखाऊंगा, उनकी खासियत भी बताऊंगा। दशहरी आम जो होता है ये इसकी तासीर थोड़ा सा बताया जाता है गर्म होती है, लेकिन इस बार दशहरी बहुत बढ़िया आया है और बहुत क्वालिटी, अगर आप पेड़ पे देखोगे तमाम पेड़ पे लगे हुए आम है। तो बाकी हिस्सा भी काट दें पेड़ पे। इससे ताज़ा और डिलीशियस आम आप लोग, मेरा दावा है कि आप लोग नहीं खा सकते हो, क्योंकि इसकी जो क्वालिटी है ये देखिए बिल्कुल टाइटनेस है, बिल्कुल पेड़ पे पटका हुआ बिल्कुल फ्रेश आम है और रसीला और एकदम शहद की तरह मीठा आम है ये। अब दूसरा हम ट्राई करेंगे इसको, क्योंकि ऐसे छोड़ना नहीं चाहिए पेड़ पे, तो इसको मैं तोड़ के गुठली अपने साथ लेके जाऊंगा। ये मैंने काट लिया, अब एक आम मैं ट्राई कराता हूँ आपको। आम नाम ये देखिए लगे हुए हैं पेड़ पे, ये आम कच्चा है और तमाम लगे हुए हैं और एक आम मुझे पक्का दिख गया है, तो मैं इसको भी लाइव काट के आपको दिखाता हूँ। थोड़ा मुझे झुकना पड़ेगा, ये देखिए लगा हुआ है, ये 2 आम लगे हुए हैं इस पर और ये मैं काट रहा हूँ। वाओ, इस आम की एक खूबी ये होती है कि थोड़ा सा खट्टा और मीठा आम होता है, लेकिन इसमें बहुत फाइबर होता है आम में और ज़्यादा ये गर्मी नहीं करता है। तो इसे पहले खा के टेस्ट करके बताता हूँ। अल्टीमेट आम है, दशहरी के मुकाबले थोड़ा सा खट्टा है लेकिन इसका एक क्यूब डिलीशियस। इस आम को भी मैं पूरा खाने वाला हूं, मैं दूसरी तरफ से काटूंगा। तोड़ ही लेता हूं पूरा आम,
आम काटने का तरीका भी शायद आप लोगों को पता नहीं, सिंपल आप चाक लगाइए और ऐसे कीजिए और इसको अगर आप ऐसे खोलेंगे तो ये दिखने में भी बहुत सुंदर लगेगा और एक क्यूब अलग अलग हो जाएगी इसकी, ये देखिए। और अब आप आराम से खा सकते हैं। वाह, पेट बहुत भर गया, मुंह भी सन गया, गर्मी भी बहुत है। एक आम मैं और दिखाऊंगा आपको, रटोल कैसे टूटता है बाग में से, कैसे लेबर चढ़ के तोड़ती है, वो आम मैं आपको दिखाता हूँ। चलिए अब रटोल की तरफ चलते, इसको तोड़ूंगा रटोल आम को, चूंकि मुझे खाने के लिए चाहिए ये, और इसमें बहुत खुशबू होती है। देखता हूँ अगर मैं लाइव इसको खा पाया। ये बहुत खुशबूदार आम है, ये अमूमन मार्केट में नहीं मिलता है देखने को, और एक पका हुआ मुझे दिख गया है तो मैं इसको भी आपको लाइव दिखाता हूँ। तो रटोल के तो अमूमन मैं आज सारी आम तोड़वाने के लिए आया हूँ, पूरा पेड़ का आप देख रहे हो सारे आम टूटेंगे, तो मैंने शुरुआत कर दी है और अभी लेबर के लोग आ रहे हैं, इसको आराम आराम से मैं तोड़ रहा हूँ कुछ आम में, और सोच रहा हूँ कि काश पका हुआ कोई आम भी मिल जाए मुझे। अरे वाह, ये मिला है पका हुआ आम, तो मैं पका हुआ आम भी आपको दिखाता हूँ कि ये कैसा लगता है पेड़ से। ये गिर गया है, ये गिर गया है, ये बिल्कुल पका हुआ आम है, तो इसको पहले ट्राई करते हैं कैसा लगता है ये। ये देखिए, इस आम की एक ब्यूटी होती है, इस आम में खुशबू बहुत ज़्यादा होती है, और इसका जो बाहर की लेयर है यानी स्किन अगर हम कहेंगे तो वो बहुत पतली होती है। और इसको भी खाने का वही तरीका है कि आप चाक लगाइए, सिंपल ऐसे कीजिए, स्क्वायर्स में आ जाएंगे ये, और ये इसको खाइए। इसकी एक क्वालिटी और होती है कि ये जब आप आम खा लेंगे 3 घंटे तक कम से कम आपको खुशबू आती रहेगी आम की, और थोड़ा इसमें अल्फांजो आम जो होता है जो महाराष्ट्र में होता है उसका मिक्स होता है, कुछ हमारे साइड में जो दशहरी गुलाब जामुन लंगड़ा चौंसा होता है उसका मिक्स होता है, तो ये डिलीशियस आम है बिल्कुल एकदम अलग से, और इसकी अलग क्वालिटी है, अमूमन मार्केट में नहीं मिलेगा। रटोल गांव है यहाँ से, मेरठ ही डिस्ट्रिक्ट में पड़ता था पहले, अभी बागपत डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है, वहाँ के किसी सज्जन ने इसको इसकी वैरायटी बनाई थी, तो तब से ये रटोल आम काफ़ी मशहूर आम है। तो आम तैयार है खाने के लिए, और अभी ये क्योंकि कच्चे आम नहीं खाए जाते हैं और ये अभी पाल में लगेंगे। पाल का मतलब ये होता है कि सिंपल इसको एक अखबार में या किसी पेपर या किसी कपड़े में इसको दबा के रख दिया जाता है 3 से 5 दिन के लिए, तब ये पक जाते हैं। क्योंकि दाल का आम खाने में तो डिलीशियस होता है लेकिन उसको आप रख नहीं सकते ज़्यादा टाइम तक। बहुत सारे आम, अब ये लड़के आम तोड़ रहे हैं और ये देखिए पूरे फल पे तोड़े जाते हैं, ऊपर चढ़ा हुआ है लड़का उसे तोड़ रहा है, और ये सारे आम इकट्ठे होके ये नीचे दिख रहे हैं आपको, ये देखे देखिए। अब इनकी प्रोसेसिंग होगी, प्रोसेसिंग कहाँ होती है आइए मैं दिखाता हूँ पाल कैसे लगती है। तो सारा आम यहाँ पे आ चुका है और ये रहो भाई जो हमारे ठेकेदार हैं ये इसको प्रोसेस कर रहे हैं, ये बेसिकली पाल लगा रहे हैं। पाल कैसे लगती है देखिए, एक अखबार एक डब्बा उसमें अखबार लिया गया है और इसको बिल्कुल प्रॉपर वे में उल्टा करके इसको लगाया जाता है, और ये 3 से 5 दिन में आम पूरा पक जाएगा। जो आप मार्केट में देखते हो
अच्छा, चूंकि ये बिल्कुल ऑर्गेनिक तरीके से पकाते हैं, चूंकि हमें अपने खाने के लिए होते हैं या अपने दोस्तों को बांटने होते हैं, तो ये ऑर्गेनिक है बिल्कुल। जो आपको मार्केट में मिलता है वो केमिकलाइज्ड होता है, उसमें एक बहुत ख़तरनाक केमिकल मिला हुआ था। तो सलाह यही है कि मार्केट का जो पीला आम देखते हो, बहुत ज़्यादा पीला आम होता है, वो केमिकल से बनाया जाता है, और चूंकि ये घर के आम है तो ये इनमें केमिकल नहीं लगा हुआ। तो आम का ये वीडियो आप लोगों को कैसा लगा आप ज़रूर बताइएगा, और आम ज़रूर खाइए, और जो आम खाते खाते मर जाता है ना, वो शहीदों में गिना जाता है।